हेलो फ्रेंड्स, समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं आज की बड़ी खबरें। मुंबई से सटे कल्याण में गुरुवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि डोंबिवली में 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। 5 साल पहले कल्याण डोंबिवली में 2017 के बाद से यह सबसे अधिक तापमान है। कल्याण डोंबिवली में विदर्भ जैसी गर्मी देखने को मिल रही है, लोग बेहाल हो रहे हैं। बता दें कि कल्याण डोंबिवली में तापमान बढ़ रहा है। भीषण गर्मी का आज लगातार 4th दिन, मार्च माह के आज सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। इससे पहले 27 मार्च 2017 को कल्याण में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। 2 साल बाद 2019 में 41 से 42 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विज्ञानी अभिजीत मोढ़क ने कहा कि कल्याण की तरह डोंबिवली में भी इस सीजन का सबसे अधिक तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि तापमान में वृद्धि गर्मी की लहर का परिणाम है और विदर्भ में भी ऐसी स्थिति है, कड़ी धूप के बावजूद हमें पसीना नहीं आता है। उन्होंने कहा कि बदलापुर, जो कल्याण डोंबिवली से कम शहरीकृत है, वहां भी आज 10 साल का उच्चतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 4 दिनों से तापमान 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस प्रतिदिन की दर से बढ़ रहा है। मोढ़क ने यह भी कहा कि कल शुक्रवार 18 मार्च से तापमान में धीरे धीरे कमी आएगी। महाराष्ट्र में कहां कितना रहा तापमान, कल्याण 43 डिग्री सेल्सियस, डोंबिवली 42.8 डिग्री सेल्सियस, बदलापुर 42.9 डिग्री सेल्सियस, उल्लासनगर 42.8 डिग्री सेल्सियस, थाने 42.5 डिग्री सेल्सियस, भिवंडी 43 डिग्री सेल्सियस, नवी मुंबई 42.3 डिग्री सेल्सियस, करजत 44.5 डिग्री सेल्सियस। हमारा इसके समाचार यहीं पे खत्म होते हैं। आपसे मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक लिए सदैव सुरक्षित रहिए। हिंद।